दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके। अऊज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अर्जुन बिस्तखाना फरीदी, और आप देख रहे हैं आईटी एक्सप्रेस कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा आईटी एक्सप्रेस कंप्यूटर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ बेल के आइकॉन पर क्लिक करके आपको फ़ायदा होगा, हमारे जितने भी आने वाली वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहे। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड। तो आज के ट्यूटोरियल में भी मैं आप लोगों को इस तरह एक कवर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, जो कि डीवीडी कवर है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह, ठीक है? बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको कोई मसला या कोई दुश्वारी आ जाए सामने, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास कोलोड्रा ओपन है, यहाँ से इसका साइज है ये, ठीक है? ये साइज नोट कर ले, यह इसका साइज है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को लगाएंगे, इसमें इस पर राइट क्लिक कर लें और इसको अंदर इसको पावर क्लिक कर दें, ठीक है? उसके बाद यह पिक्चर जो कि पश्तो एक सिंगर है, ठीक है? आप लाजमी नहीं है कि ये या ये पिक्चर लगाए या ये बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड भी चेंज करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये मैं सिखा देता हूँ सिर्फ कि आप किस तरह डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है? इसको यहाँ पे पावर क्लिप कर दे, ठीक है? उसके बाद मैं एक पिक्चर को यहाँ पे लेके आ देता हूँ, ताकि हमें डिज़ाइन का पता चले हमारा डिज़ाइन कैसा है, ठीक है? इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे डीवीडी कवर लगाएंगे, ये वाला सॉरी लोगो लगाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे, और यहाँ पे इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ देता हूँ, ओके, ठीक है? उसके बाद हाई टच, ठीक है? ये भी यहाँ पे इसको हम लगाएंगे थोड़ा सा बढ़ा के, ओके जी। उसके बाद कुछ पश्तो में मैंने लिखाई की है, या आप एन पेज में भी करवा सकते हैं, ठीक है? जो भी आप, अगर पंजाबी में लिखना चाहते हैं या वो उर्दू में, जो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वॉल्यूम नंबर सेट कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये नाम है सिंगर का, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? ये इस तरह डिज़ाइन तैयार हो गया हमारा। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल ई कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको नाम मैं दे देता हूँ 1, ठीक है? इसको ओके किया, ओके। उसके बाद जी हम अभी डीवीडी कवर जो कि है, इसको हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? इसको यहाँ से साइज इसका मैंने जो चॉइस किया है 0.1 4.01, यह इसका साइज है, ठीक है? तो अभी ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ ये गाइडलाइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है?
एक गाइडलाइन मैं इसीलिए लगा रहा हूँ, इससे पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि ये यूरिया आपने खाली छोड़ना है, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, और एक नीचे हम लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह, और इसको मैं साइज दे देता हूँ 4.01, 4.01, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे लेके आ देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसको फिनिश किया, कंट्रोल वी किया, ठीक है। इस पर राइट क्लिक किया और इसके अंदर पावर क्लिक किया, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ से ये मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। हम दोबारा भी पिक्चर को चेक करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। यहाँ पे हम वॉल्यूम नंबर और कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, और इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अभी इसके हम बाकी सेटिंग करेंगे। गया ठीक है, तो अभी हम बाकी सीटिंग इसका करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ में इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप डीवीडी है टच प्रो, मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल ही कर ले तो इसको, और इसको मैं नाम दे देता हूँ टू, और इसको ओके किया। गाइडलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। टू नाम दे देता हूँ, ठीक
ठीक है, हमारे पास ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद हम फ्रेंड, अभी हम जो है ना अब एडोब को ओपन कर लेता हूँ मैं, एडोब को ओपन करने के बाद अभी हम इसको मॉकअप देंगे, ठीक है। मॉकअप में इसको हम मॉकअप, तो मेरे पास मॉकअप पड़े हुए हैं, कौन सा है, ये वाला है मेरे ख्याल, ठीक है ये है। तो इसको अब हम जो है ना, सबसे पहले हम पिक्चर को लेके आएंगे, इसमें जो पिक्चर है हमारे पास सेव हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं इसमें ड्रॉ कर लेता तो हूँ सबसे पहले इसको, और बाद में जो है ना डीवीडी इसको, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना डिस, ये नाम लिखा हुआ है इसका, पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, और इसको मैं ये वाला तस्वीर इसमें ऐड करूँगा, ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ, ओके, इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस, इसको अभी मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम आते हैं तो इसके एक और, ये जो सेट कवर है, ठीक है, इसको हम ये लगाएंगे, ठीक है, इसमें आप ये इस तरह डिज़ाइन भी बना सकते, लेकिन मैं ये लगाऊंगा इसमें कुछ इस तरह, ठीक है, इसको भी मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, आप चेक कर सकती है लग गया, ठीक है, साइड पे। अभी दूसरा ये डिस्क पड़ा हुआ है, डिस्क, ठीक है, हम डिस्क को लगाएंगे, ठीक है, ये इस तरह, इसको इस तरह किया यहाँ पे, और ये इसके साथ मिला दिया, ओके, कंट्रोल एस, इसको भी मैंने ख़त्म किया, और इसको भी, इसको भी, ठीक है, यहाँ पे एक और बाकी रह गया, हाँ यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको भी कंट्रोल एस किया तो ये लग गया, ठीक है, इसको भी मैं ख़त्म, इसको और इसको भी, ठीक है, मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, और डीवीडी एल्बम, अच्छा जी, अभी कंट्रोल एस किया, और ये मैं इसके साथ इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये नाम मैंने दिया, इसको मैंने JPG में सेव किया, ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके, ठीक है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये रहा, ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। तो फ्रेंड, ये जो CDR फाइल है और मॉकअप है, ये आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले, और मुझे अपनी दुआ में याद रखे, अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।